बुमराह बॉल डालने के लिए काफी गुस्से में आते हुए, और ये इमाम ने आंख बंद करके बल्ला घुमाया, बॉल को जी हाँ चैन से सोना है तो कछुआ चाप जलाए, और इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना हो तो यहाँ पर आए। दादा और आलू के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ने के वजह से आखिर इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ खेलकर उन पर एहसान करने के लिए राजी हो गई है। ये जानकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की खुशी से पॉटी नीचे नहीं आ रही है, और पूरे देश में सीरीज को लेकर काफी गन्नाफाड़ उत्साह देखा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इस बारी अपनी इज्जत लुटने से बचा पाएगा या फिर से रजिया गुंडों में फंसेगी। देखने के लिए बने रही हमारे साथ, तब तक सतर्क रहे, सावधान रहे, मेरठ रहे या गाजियाबाद रहे। भाई इंडियन टीम आ रही है पाकिस्तान खेलने, फोन लगा तल्ले को। भाई कौन से वाले को, इमरान या सरफराज? छोटे वाले को। ठीक है भाई। हेलो हेलो को डाल अपने पिछवाड़े में और भाई से बात कर। भाई हाजी भाई, हाँ हाँ भाई। ओ हल्के, मैंने सुना है इंडिया की टीम आ रही है खेलने। हाजी भाई हाजी, सही सुना है। तो क्या प्लानिंग है? कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, वो अभी बिरयानी और न्यारी मंगवाई है, मस्त पेट भर के खाऊंगा और सो जाऊंगा। पेटू तेरे पेट भरने का प्लान नहीं पूछ रहा हूँ, इंडियन टीम को कैसे हराना है उसका प्लान पूछ रहा हूँ। भाई बुमराह की वजह से सबकी हवा टाइट हो रखी है, और राहुल और गोली ने तो मार मार के पाकिस्तान तक बॉल पहुँचा रखी है। भाई हमें नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे इनसे। वो तो पूरे पाकिस्तान को लगता है, तू चिंता मत कर, इंडियन टीम में अपना एक हुक्म का इक्का है, वो अपने साथ है, वो जितवाएगा हमें। हुक्म का इक्का? कौन भाई? इंसान के भेजे में जितनी मेमोरी है उतना ही डेटा डालना चाहिए, ज्यादा डेटा डालने से हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। ये बता तेरी टीम में कौन कौन बिकने को तैयार है? भाई पूरी टीम बिकने को तैयार है, बस कोई खरीदार ही नहीं मिलता। हम खरीदेंगे और अंपायर भी खरीद लेंगे, अब इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। भाई ये हुक्म का इक्का है कौन? ये कोई सड़क पे बिकने वाला चिकन टिक्का नहीं जो शाम को दारू के साथ चखने के काम आता है, ये मेरा हुक्म का इक्का है, इसका पत्ता सही वक्त पे खुलेगा। जी हाँ चैन से सोना है तो कछुआ छाप जलाए, हमारे दूर के काफी गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि भाई डॉन ने भी इस मैच में अपना पैसा लगाया है। आखिर कब तक यूं ही गोरख धंधा चलता रहेगा, आखिर कब तक ये ऐसे पैसे कमाते रहेंगे और हम यहाँ माइक पर कुत्ते की तरह चिल्लाते रहेंगे। हमारा भी मन करता है बैंकॉक जाए मसाज करवाए। खैर छोड़ो काम पर वापस आते हैं। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने किया है बल्लेबाजी का फैसला, अब देखना होगा कि इंडिया के गेंदबाज क्या कमाल कर पाते हैं। और अब चलते हैं कमेंट्री बॉक्स पर और जानते हैं शर्मा जी और गुप्ता जी का क्या कहना है इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और मुझे लगता है कि आज इंडियन बोलरों का स्टॉप इट ना, यहाँ प्रेडिक्शन नहीं करना। तो शर्मा जी कहाँ करना है प्रेडिक्शन? गुप्ता जी अब से जब भी प्रेडिक्शन करना है बल्लेबाजी ऐप पे करना है, वहाँ प्रेडिक्शन करूंगा, पैसे जीतूंगा, बैंकॉक जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। क्यों दिन में सपने दिखा रहे हो शर्मा जी, कुछ नहीं होता इन ऐप वगैरह से। अरे गुप्ता जी कर दी ना आपने हल्की बात, ये बल्लेबाजी ऐप है, यहाँ सही से प्रेडिक्शन करने से पैसा ही पैसा होगा, फिर आईफोन 11 भी आएगा और बैंकॉक का ट्रिप भी आएगा। क्या बात कर रहे हो शर्मा जी, फिर तो जरा ठीक से बताओ। ये है बल्लेबाजी ऐप। ये है बल्लेबाजी ऐप। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर खुद युवराज सिंह है। बल्लेबाजी ऐप में आप अपनी खुद की क्रिकेट टीम बना के लीग मैच खेल सकते हैं और घर बैठे बैठे पैसा भी कमा सकते हैं। आपको खेलने हैं कॉन्टेस्ट, बनानी है अपनी फेवरेट टीम, और अगर आपके सिलेक्टेड प्लेयर्स करते हैं रियल मैच में अच्छा परफॉर्म तो आप जीत सकते हैं लाखों। इसके अलावा अभी इस ऐप में चल रही है मेगा लीग जिसका विनिंग प्राइस है 5 लाख रुपए, और बाजी का 25K का विनिंग प्राइस है 25,000 रुपए। ये ऐप 100% सेफ और सिक्योर है तो चिंता की कोई बात नहीं। विनिंग अमाउंट को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट पर या पेटीएम अकाउंट पर। ज्वाइन करने के लिए यूज कीजिए फ्री 100 कोड और आपको मिलेगा 100 रुपीज इंस्टेंट बोनस, और इसके अलावा अपने फ्रेंड को रेफर करने पर भी आपको मिलेंगे 100 रुपीज और। तो क्रिकेट देखते देखते अर्न करने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए बल्लेबाजी ऐप। ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही है शर्मा जी, अभी डाउनलोड करता हूँ बल्लेबाजी ऐप। आओ आओ पैर के टको, न्यूजीलैंड से हार गए, अब अगर हार के वापिस गए ना तो सालो बिना दूध के चाय पीनी पड़ेगी और बिना आटे की रोटी मिलेगी, क्योंकि पेट तो हमारा पब्लिक की मार से भर जाना है। अब खोल कर सुनो मेरी बात। क्या खोल रहे हैं भाई? फूकनी के कान खोल रहे हैं कान। आज कैसे भी करके इनको 250 रन तक रोकना है, क्योंकि बॉलरों पर तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, अब बल्लेबाजी बचाएंगे हमें। भाई कैसी बात कर दी आपने,
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਦੂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਉਹ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਟ ਤੇ ਈਟ ਬਜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਕੋ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਕੇ ਬੱਚੇ। ਅਬ ਇਨ ਬੋਲਰੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਖਾ, ਐਸੀ ਕਾਨ ਫਟੀ ਕੇ ਹੈ ਯੇ ਦੱਲੇ, ਅਬ ਤੋ ਮੁਝੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਤੋ ਬਰਤਨ ਪਕਵਾ ਦੇਣੇ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਮੇ ਡੂਬੇ ਹੋਏ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਅਬ ਕੀ ਬੈਟਿੰਗ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਜਾਣੇ ਤੋ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਕੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਬਾਲ ਕੋ ਇਹਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲਾਣੇ ਤੋ ਦੇ। गुमराह मैच की पहली बॉल डालने के लिए तैयार, और ये इंजमाम के चाचा के लड़के इमाम ने आगे बढ़कर बल्ला घुमाया और ये लगा छे, यहाँ बुमराह का धागा खुलता हुआ। शर्मा जी हमको आज सुबह से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आज कुछ महसूस होने वाला है, पाकिस्तान टीम के बैट्समैन को शॉट मारते हुए देखने से ज्यादा क्या ही महसूस होगा। भाई कई हुक्म का एक गुमराह तो नहीं, वरना इन बैट्समैनों में का इतना दम है जो गुमराह को गुम करेंगे। पक्की बात है ये है अपना हुक्म का इक्का। और तू कर क्या रहा है, इसको यॉर्कर मत दे, ये यॉर्कर अच्छी खेलता है, इसको बाउंसर मार मुंह तोड़ दे साले का। भाई तुसी रहने दो, पिछले मैच से तुसी बोल कर चक्का परवा देता मैनू, मैं नहीं डाल रहा बाउंसर। oh, no. डाल रहे हैं नहीं, या फिर बुलाओ अगले मैच में कैनी को टीम में। नहीं भाई ऐसा मत करना, मैंने इतने मैच जितवाए तुहानू, अब तुसी ऐसा करोगे साडे नाल। वो तो हो गई पुरानी बात, यहाँ धोनी जैसे खिलाड़ी बाहर बैठ सकते हैं बिना किसी बात के, फिर तुम क्या चीज हो गुमराह बाबू। चुपचाप बाउंसर मारो इसको। ठीक है भाई, उठ तुसी देखो कैसे मैंने पट्टे चक देने हैं। गुमराह गोली के कहने पर बॉल डालने आ रहे हैं और ये मारी बाउंसर, पर इमाम भी कम हरामी नहीं है, बल्ले को सिर्फ टच किया और ये लगा छक्का। छक्का मारेगा तू? ओए ले अब खा तो अपने बाप की कसम, अगली बॉल दे तुझे आउट ना कितना ना तो वाहेगुरु जी सो गर्दन उखाड़ दूंगा गर्दन। गुमराह कुत्ते की जैसी शक्ल बना के गोली की तरफ देखते हुए और इमाम को माँ बहन की कसमें देते हुए। बाबर यार ये क्या करेगा अब, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है इससे, कहीं ये मेरी टांग ना तोड़ दे। अबे तुझे इससे डरने की जरूरत ना है, यही तो है भाई हुक्म का इक्का, वरना तुझे लगता है कि कभी तू गुमराह को छक्का मार पाएगा। बोल तो तू सही रहा है, पर फिर ये इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है। वो तो थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि किसी को शक ना हो, तू बेझिझक बल्ला घुमा। गुमराह बॉल डालने के लिए काफी गुस्से में आते हुए और ये इमाम ने आग बंद करके बल्ला घुमाया, बॉल को सीधा विकेट पर और ये आउट। आखिरकार गुमराह ने अपना बदला ले ही लिया और दिखा दिया कि बाप तो आखिर बाप ही होता है। ओए सरफराज ये जो तूने हुकुम के इक्के वाला मजाक किया है ना हम सबके साथ, अच्छा नहीं किया। हमारे बीच कोई ऐसा भी है जिसने आज तक कभी बल्ला नहीं उठाया, और कोई ऐसा भी है जिसने आज तक कभी एक रन नहीं बनाया, और जो तुम इनके बीच हुकुम के सपने दिखा रहे हो ना अच्छा नहीं लगता। इससे पहले कि मैं तेरे मुंह पे बल्ला मार दूं, चला जा यहाँ से। वो तो मुझे भाई ने बोला था उनका टीम इंडिया में कोई हुकुम का इक्का है, अब ये नहीं निकला तो अब मैं क्या करूं, और अब मेरे को ही जाना पड़ेगा, ऊपर वाले बचा ले आज। आखिर ये हुकुम का इक्का है कौन, कौन है ये हुकुम का इक्का, कौन है ये हुकुम का इक्का। और मैच की पहली पारी खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने बनाए हैं 20 ओवर में 400 रन। आज इंडियन बॉलरों को निर्मा सर्फ लगा के धोया है पाकिस्तान बल्लेबाजों ने, अब देखना होगा कि इंडिया के बल्लेबाज क्या और किसका पौधा उखाड़ पाते हैं। शर्मा जी पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इंडिया टीम के कुछ धुरंधरों ने जानबूझकर कैच छोड़ी है और मिस फील्डिंग भी की है। अरे गुप्ता जी अभी न्यूजीलैंड से हार गए हैं, उसी का प्रेशर होगा। नहीं मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है गुप्ता जी ठीक है, मैं समझ गया। भाई अब तो एक पाकिस्तान की पारी भी खत्म हो गई, अब तो बता दो कि आखिर हुकुम का इक्का है कौन। लगा फोन। कैसा है मेरा हुकुम का इक्का? आपका हुकुम का इक्का आपको बाजी जितवाने के लिए तैयार है।